गए। साढ़े ग्यारह बज रहे दोपहर के, तू अभी तक सो रहा है? चलो दाढ़ी नहीं बनाई, नहाया नहीं, ये क्या लगाया क्या तूने? सीख सीख, तेरे चंदू चाचा से कुछ सीख। पता है उनको आधी रात को भी उठाओ तो ऐसा लगता है मानो अभी अभी दाढ़ी बना के नहा के फ्रेश कपड़े पहन के खड़े हो। मैं तो फैन हूँ उनका। मैं तो आपके नंदू चाचा का फैन हूँ। बचपन से आज तक बड़ी मुश्किल से 10 बार नहाए होंगे, और अब दाढ़ी बनाएंगे ना तो उन्हें कोई नहीं पहचानेगा। यार किस मनहूस का नाम ले लिया रे तूने, पूरा दिन बिगड़ेगा पता है। आप भी मानते हैं जीजाजी? मैं तो समझता हूँ इंसान को सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उठ जाना चाहिए, नहा धोकर फ्रेश होकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? सारा दिन संवर जाएगा, सारे काम दिन भर के अपने आप आसान हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आंखें मूंद कर मेडिटेशन करें तो बागों के फूलों की खुशबू हमारे कमरे तक आएगी, तितलियों की फड़फड़ाने की आवाज हमारे कानों तक पहुंचेगी, पंछियों की चहचहाट आ आ मुझे तो अभी भी सुनाई दे रही है। बता तो ये कौन सा पंछी है? ये पंछी का नाम है टेलीफोन। ये देखो। हेलो, बोला भैया, राजू है क्या? हाँ, एक मिनट जी, आपको कोई प्यार से राजू बोल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई स्कूल का फ्रेंड। भैया आप डॉक्टर साहब को ही फोन कर रहे हैं ना? अरे राजू शूटर को फोन कर रहा हूँ जिसने तुझे जख्मी किया है, समझा? हाँ भाई बोलो, बोल रहा हूँ। मैं अबू कालिया बात कर रहा हूँ। कौन अबू? अबू कालिया वो डॉन। तूने मेरे भाई को मारा है ना, मैं तुझे लुड़काने आ रहा हूँ अभी। देखिए देखिए अबू साहब, अरे मैं तो आपके भाई को जानता, आपको तक नहीं। हेलो हेलो अबू साहब, डॉन ला, डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ, नंबर ला। ये रहा, ये दोनों नंबर एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, एक नंबर का फर्क है। चल का मत मेरे को, सीधी पकड़ो सीधी पकड़ो सीधी पकड़ो। हेलो। ए बॉस, मैं हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे भाई को गोली लगी है, जल्दी आइए प्लीज, उसे निकालिए प्लीज प्लीज, जरा जल्दी कीजिए। हम गोलियां निकालते नहीं, मारते हैं। अरे कैसा डॉक्टर है? गुल्लू गुल्लू, ये अबू कालिया मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। क्यों? कहता है मैंने उसके भाई को मार डाला। मैं तो उसके भाई को जानता तक नहीं, अब क्या। वो कल अस्पताल में जो पेशेंट मर गया, कहीं वो अबू कालिया का भाई तो नहीं था? लेकिन आपने उसे समझाया क्यों नहीं कि उसे गलत फहमी हो गई है, उसका भाई कैंसर से मर गया? अरे उसने मौका ही कहा दिया मुझे, और यहाँ आकर पहले तो वो गोली चलाएगा, फिर सवाल पूछेगा, तो जवाब क्या मेरी लाश देगी? नहीं, 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 नहीं। मैं तो यहाँ से भाग चलते कहाँ जाएंगे? कहीं भी, लेकिन जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। क्या नहीं भाग सकते? गुल्लू, मेरी इस बड़ी हीवी दाढ़ी को देखकर इस चंदू चाचा को पहचान पाएगा या नहीं? जी, उसके हाथ में जो बॉक्स है ना, लगता है उसमें मशीन गन है। लेकिन इस बक्स में रखे हुए मोर पंख देखकर बहुत खुश हो जाएगा। जी, ओ मशीन गन को तबाह रहा है। हाँ देख रहा हूँ। ये यार, ये यार। घंटी बजाने दो, शायद ये दोनों घर पे नहीं है। लेकिन पीछे की खिड़की हमेशा खुली रहती है, मैं पीछे की खिड़की से जाकर आराम करता हूँ घर में। चला गया, क्या करें? एक काम करते हैं, क्या पिछली खिड़की से कूद जाते हैं। मैं तो कूद जाऊंगा, आप जाएंगे बाहर? अरे हाँ हाँ, जब मौत सर पे आती तो कुछ भी करता आदमी। चल चल चल, भागो जल्दी भागो। तुझे तो मुझे हौसला देना चाहिए। तेरे नहाने के लिए मैंने गर्म खौलता हुआ पानी रखा, उसे किसी भी तरह अंदर मत आने देना। क्या क्या मिला?
से क्या हो गया। ये जी लगता है उसका दूसरा साथी भी आ गया। Let me see. क्या हुआ भगवान, अरे क्या हुआ। ए भिखारी की औलाद, मुझे क्या भिखारी समझा क्या? भिखारी की औलाद? हाँ, किसे कहता भिखारी की औलाद? तुझे कहता हूँ, मुझे पहचाने? चंदू। हाँ, गुल्लू के चाचा चंदू चाचा। ये जमीन पे क्यों बैठे हो? अरे वो क्या होगा क्या? वो क्या है कि मन में आया कि चलो धरती माँ के गोद में बैठ जाए। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। अगर हम इस धरती माँ के जो नन्हे से मुन्ने से बच्चे जो ठहरे। चलो उठो, राज को मिलते हैं। मुझे बिना दाढ़ी देखे वो तो पहचानेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, तुम मिलो से, मैं मिल चुका हूँ। इधर ही आ रहे हैं, अपने साथी से कुछ प्लानिंग कर गए। अरे बाप रे बाप रे, क्या करें क्या? देखो दरवाजे से आया तो हमला बोल देंगे, अगर खिड़की से आया तो गर्म अरे लेकिन गर्म पानी तो ठंडा हो चुका होगा, अब क्या करें? डोंट वरी जीजा जी, आई एम हियर, डोंट फियर। बोला करते थे गर्म स्त्री को कभी हाथ नहीं लगाना। हाँ निकल गई लगती है। अरे यार गुल्लू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने दो दो गुंडों को एक साथ मार के भगा दिया। हाँ भगा दिया, वो गेट पे बैठ के प्लानिंग करे अंदर घुसने का। क्या कह रहे हो? फिर क्या सच? अरे बाप रे, तो फिर पुलिस को फोन करना चाहिए। करो ना, जल्दी करो जल्दी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर टीटी पूंजिया हियर। टटपूंजिया जी जी जी, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर दो कातिल हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वेरी गुड, लेकिन उन्होंने तुम्हें अभी तक मारा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि अभी तक तो मैंने उन्हें मार के भगा दिया है। वेरी बैड, तो फिर तुम फोन क्यों कर रहे हो? देखो फोन तो उन्हें करना चाहिए ना, एक्चुअली दे नीड पुलिस प्रोटेक्शन। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा वो कातिल देखने में कैसे हैं? आई मीन उनकी बॉडी, उनका वेट, उनकी हाइट। यहाँ से तो 3 फुट के लग रहे हैं। वाह, इसका मतलब भाबड़ी और भुबड़ी है, दोनों ठिकने भाई हैं, दोनों का कद 3-3 फुट का है। एंड यू नो 1962 में इन दोनों का बर्थ कानपुर में हुआ, और कानपुर के बाद जौनपुर से जैसे ही इन्होंने 8वीं जमात पास की उसके बाद। अरे अरे पहले आप यहाँ आओ फिर हम बताएंगे। अरे वो बैठे हुए हैं इसलिए यहाँ से 3 फुट के लग रहे हैं, वैसे वो कम से कम 5.5-6 फुट से कम नहीं है। बस 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 बस, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझ गया वो राजा और राणा है। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से यहाँ आइए, मेरे मरने के बाद आएंगे तो क्या फायदा, मेरी अर्थी पे फूल चढ़ाएंगे आप आगे। नो नो नो, लगता है मामला सीरियस है। यू डोंट वरी, आई एम कमिंग। देखो हवलदार, हमें जल्दी चलना है, दो कातिलों को पकड़ना है चल के हमें। लेकिन सर चलना कहाँ है? चलना कहाँ है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। हेलो हेलो, चलना कहाँ? बेवकूफ इंस्पेक्टर को पता लिए बगैर ही उसने फोन पटक दिया, आएगा कैसे यहाँ? हेलो हेलो हेलो, मैं डॉक्टर राज बोल रहा हूँ। यार तुम अजीब आदमी हो, घर का पता बताए बिना ही तुमने फोन रख दिया। अरे आपने मौका कहाँ दिया मुझे? क्या 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 क्या, मैंने मौका नहीं दिया? देखो देखो मिस्टर राज, तुम एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और जानते हो कि इसका उद्देश्य क्या होगा? 1972 में बिल्कुल इसी तरह का इल्जाम मेरे ऊपर एक आदमी ने लगाया था, और मैंने जैसे ही उसे पकड़ा। बस बस बस, नॉट अगेन दैट स्टोरी। आप एक काम कीजिए, पहले मेरा पता लिखिए। हाँ हाँ, लिखाइए एड्रेस, डॉक्टर राज का एड्रेस। आप इतने नाराज क्यों है? अरे क्या करूं, ये इंस्पेक्टर है या वो पागलखाने का मरीज, मुझे तो पागल करके रखा है इसने। पता नहीं वो कितनी देर में आएगा, कब आएगा, तब तक में हमारा क्या हशर होगा। वो आने से पहले उन दोनों ने हम पर हमला किया तो? अरे इसी बात का तो मुझे भी डर है यार, जब वो एक एक करके आए थे तो हमने मार के भगा दिया। हाँ। अगर दोनों साथ में आए तो हम क्या करेंगे? और फिर उनके पास तो मशीन गन भी है, जरा सोच। जी एक तरकीब है। क्या? लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्रामा किया था, डाको कर्नल सिंह, तो उस ड्रामा के कपड़े है ना हमारे पास। अरे तुमने अभी तक बेचे नहीं वो कपड़े? कौन लेगा? आगे बोल आगे बोल। क्या करेंगे? डाकू के कपड़े पहन के हाथ में बंदूक लेके खिड़की के पास खड़े रहेंगे, उनको लगेगा ये राज के
बॉडीगार्ड है। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों यही हो? हाँ यही है, कहीं नहीं गए। आइए आइए डॉक्टर राज। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आ गए। नमस्ते। क्या हुआ? बंदूक। ओ लीजिए ना, ये लीजिए। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज। देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं शट अप। देखिए आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, डॉक्टर राज जैसे शरीफ आदमी को आप दोनों मारने के लिए आए हैं। मेरे कहने का मतलब शट अप। अरे मैं कहता हूँ शट अप। देखिए अब तो मैं शट अप कहके तंग आ गया। नाउ नो मोर। देखो हवलदार, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। शट अप। लेकिन इस बार तो हम कुछ बोले भी नहीं। फिर भी शट अप। चलो 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 चलो, मार पड़ेगी। चलो ना, शट अप शट अप। ये हमने शट अप। तुम चलो हवलदार, इन दोनों को बंद करो अंदर। चलो चलो जीप में बैठाओ, चलो जीप स्टार्ट करो। चलो 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 चलो। अच्छा तो ये लोग डाकू थे और हम खामखा अपने भतीजों पे शक करने लगे। चलो अंदर जाकर आराम करते हैं। चलो। देखो मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों ने डॉक्टर राज को मार के उसकी लाश को कहाँ छुपाया है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर राज की जिंदा लाश आपके सामने खड़े होकर आपसे बात कर रही है, आप समझते क्यों नहीं है कि मैं डॉक्टर राज हूँ? अरे अगर तुम डॉक्टर राज हो तो डाकू के भेष में क्यों हो? आपका कोई साला है? नो। अगर आपका कोई बेवकूफ साला होता ना तो आपको पता चलता कि उसकी बात मानने से जीजा का क्या हाल होता है। जीजा जी मैंने आपकी मदद की है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तुमने इसकी मदद की है हाँ। डॉक्टर राज की लाश को छुपाने में। अच्छा मुझे दोनों सच सच बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे वो घोड़े कहाँ है? घोड़े? क्या घोड़े भाई, हमारे पास गाड़ी है। वेरी गुड, मॉडर्न डाकू, मोर मोबाइल, मोबाइल फोन भी है। दैट्स इट, इट मींस अल्ट्रा मॉडर्न डाकू। आप समझते क्यों नहीं? अच्छा एक काम करें, मैं अपने कंपाउंडर को फोन करके बुलाता हूँ यहाँ, वही आपको बताएगा कि मैं सच्चा राज मैं हूँ। ओके ट्राई योर लक। अरे डॉक्टर साहब खुदा का शुक्र है आपने फोन किया। अबू कालिया एक घंटे से बैठा यहाँ आपका इंतजार कर रहा था, अभी अभी वो आपके घर गया है। एक आदमी साए की तरह मेरे पीछे लगा हुआ। डॉक्टर साहब मैं जहां भी जाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये आदमी मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। लगता है डॉक्टर साहब इन लोगों को आपसे कोई बहुत जरूरी काम है। डॉक्टर साहब आ रहा है कंपाउंडर? नहीं, अगर वो आया तो उसके पीछे मेरा मौत का साया भी आ जाएगा। मौत तो इस वक्त भी तुम्हारे सामने खड़ी है। ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, फंदा। 1985 में बिल्कुल ऐसा। इंस्पेक्टर साहब बस कीजिए बस कीजिए, आप हमें फांसी पे चला दीजिए लेकिन अपनी स्टोरी मत सुनाइए। पता नहीं ये डॉक्टर राज और गुल्लू कहाँ गए, यहाँ तो डाकू घुसाए थे, इन्हें कुछ पता ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वक्त पर आई। अरे पुलिस वक्त पे कहाँ आई, पुलिस देर से आई। अगर पुलिस वक्त पे आती थी तो अपनी पिटाई नहीं होती थी ना। और वो प्रेस और गर्म पानी से पैर जलते नहीं थे, देखो अभी तक धुआं निकलता है। ठीक है भाई ये ले लो, राज आने तक ठंडा पी लो तो ठंडे ठंडे हो जाएंगे। चीयर्स। चीयर्स। डॉक्टर राज का वे भारा, ए भारा। सीधी पकड़ो सीधी। ओ तू यहाँ बैठा है? तुम लोगों ने इस घर को क्या मछली बाजार समझ रखा है? म्युनिसिपालिटी के सांड की तरह एकदम घुसे चले आए अंदर। तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं कि दरवाजे की घंटी बजाई जाती है? अबू कालिया समझा, अपना आदमी की घंटी बजाता है दरवाजे की नहीं। तुम्हें से डॉक्टर राज को नया चले निकल यहाँ से, देखते नहीं हो गया हम लोग ठंडा पी के ठंडा हो रहे हैं? तुम्हें अभी मैं हमेशा के लिए ठंडा करता हूँ। ए गोली चला, गोली चला। ए गोली चलाने आती है ना। मैं हूँ डॉक्टर राज। ये नहीं है, मैं हूँ डॉक्टर राज। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ। सुने सुने, मैं हूँ डॉक्टर। पहले तो एक राज नहीं मिल रहा था, अभी दो दो राज मिल रहे। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुम ही डॉक्टर राज हो। हाँ नीचे। और तुम्हारे घर जाकर उन लोगों को पकड़ कर लाता हूँ जिसे तुम कातिल कह रहे हो। ये हुई ना बात। फिर अपने आप पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर राज है, कौन डाकू है और कौन कातिल है। करेक्ट। एंड यू नो 1935 में बिल्कुल ऐसा ही। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से जाइए वरना वो कातिल भाग जाएंगे। हवलदार साहब एक ग्लास पानी मिलेगा? दो ग्लास। कहाँ जा रहे हो? पानी लाने। गुल्लू
यही मौका है, भाग चलते हैं। वो पानी पी के जाते हैं। अरे चलना। अरे नहीं, मैं गिर के मर जाऊंगा। अरे सिर्फ एक फीट आ जाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कूद सकता। और स्टोरी सुनाने वाला इंस्पेक्टर आ गया। क्या आ गया? अपने लिए गाड़ी भी आई है। आप भी के लिए गाड़ी। अच्छा आइए 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 आइए, जरा एसी ऑन करना है। एसी ऑन। चले चले मुझे बहुत जोर है, बहुत जोर से गोली लगी है। बचाओ। चुप चाकू मारो। अपना नाम अबू कालिया है। कालिया बोलने की जरूरत नहीं है। भाई को गोली लगी है, जरा निकाल दो। अच्छा इसलिए मुझे यहाँ लाया गया, और सुबह मुझे ही फोन करके मार डालने की धमकी दे रहे थे। अरे वो तो अपन राजू शूटर को फोन कर रहा था, गलती से तुमको लग गया। निकाल। ये क्या है? चक्कू है। इससे निकालो। अरे नहीं नहीं भाई, बहुत तकलीफ होगी उसे। एक काम करते हैं, मुझे अस्पताल जाने दीजिए, मैं वहाँ से अपने औजार ले आता हूँ। अरे मर्द का बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जम्बूरा कौन है? मेरा साला है। इसे गोली मार दो। मार दो गोली। अपने काम का नहीं है? रुके रुके, बहुत काम का है भाई। अगर ये छटपट तो पाँव पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। अरे सीधी पकड़, सीधी पकड़, सीधी पकड़, बैठ बैठ बैठ, निकालो निकालो। अरे अरे चिल्ला मत, चिल्ला मत, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मुझे अस्पताल जाने दीजिए, वहां से मैं एनेस्थीसिया ले आता हूँ। एनेस्थीसिया? ये क्या है? वो बेहोशी की दवाई। अरे उसकी जरूरत नहीं है। हा? वो यही है। अच्छा एक है। अरे वाह, इनकी दुनिया में हर काम कितना आसानी से हो जाता है। नहीं मेरा भाई। जल्दी जल्दी। अरे ये बताओ, तुम दोनों में से डॉक्टर राज कौन है? वो कितनी बार कह चुका हूँ कि डॉक्टर राज मैं हूँ। ओके ओके ओके, ऑल राइट। बेटा साहब, लगता है इसे भी डॉक्टर राज की तलाश है। मेरे दिमाग में एक आइडिया मंडरा रहा है। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर राज बन के वहां जाइए और उसे पूछिए कि उसे डॉक्टर राज से क्या काम है। तब तक हम छुप जाते हैं। गुड आइडिया, तुम छुपो मैं जाता हूं। अरे ये अंधेरे। टॉर्च टॉर्च टॉर्च। ओके ओके। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मे आई हेल्प यू? आप है कौन? मैं डॉक्टर राज हूँ। और आपकी तारीफ? मुझे राजू शूटर कहते हैं। अबू कालिया के भाई को मैंने मारा और उसका क्रेडिट तुम ले रहे हो। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। देख लेना रिवॉल्वर। लाओ। नहीं नहीं, ये मेरी है। अरे लाओ यार, अभी देखो तुम। एक तो कुछ चलता नहीं है, लगता कभी है। कभी होता है ऐसा। मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं डॉक्टर राज नहीं, इंस्पेक्टर टीटी पुंजिया हूँ। ये पुंजिया है? एक मिनट ठहरिए, मैं आता हूँ सर। आप बाहर जाओ। अरे रुको, देखो, पकड़ो 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 पकड़ो, मुझे छोड़ना, पकड़ो पकड़ो। जल्दी करो, किसी भी वक्त आ रहे होंगे। अरे पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? गुंडे भी साथ में है। अरे हटिए, परे हटिए, परे हटिए। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? यही तो दो कातिल है और आप इनके साथ हो लिए। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ले चलो इन्हें वापस पुलिस स्टेशन। रुके रुके इंस्पेक्टर साहब, प्लीज रुके। अरे गुल्लू बेटा, मैं ही तेरा चाचा हूँ, मैंने सिर्फ दाढ़ी बनाई है। ये देख मेरी तरफ देख। अरे पॉलिश कर रहा, यही चंदू चाचा है। और राज बेटे, मैं तेरा नंदू चाचा हूँ, मैंने दाढ़ी निकाल दी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे राजू शूटर को भी पकड़ लिया, अबू कालिया भी मेरी हिरासत में है। क्या बात है। और अब ये भी मालूम हो गया कि ये दोनों तुम दोनों के असली चाचा हैं। करेक्ट। लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं मालूम हुआ क्या कि असली डॉक्टर राज कौन है। मैं आपको कह के थक गया, लेकिन आपको यकीन ही नहीं हुआ कि असली राज मैं। अरे 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 अरे, मेरा दिल तो मान रहा था, लेकिन मेरे दिमाग को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि यू नो, दिसंबर 1996 में। अरे सुनिए, देखिए भाग गए।